नमस्कार, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जयपुर में नकली नोटों का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर में नकली नोट छापने के गोरख धंधे खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा है। यह कारखाना जयपुर में गोने रोड पर एक अपार्टमेंट में महंगी विलाम चल रहा था। छापेमारी कर एसओजी ने कारखाने मौजूद दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से करीब 5.80 लाख रुपए के नकली नोट व उपकरण भी बरामद किए और आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। मामले पर एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ब्रजेश मौर्या ग्वालियर मध्य प्रदेश व दूसरा आरोपी प्रथम शर्मा जयपुर का रहने वाला है। एडीजी राठौर के मुताबिक आरोपी ब्रजेश मौर्या के बारे में मुखबिर सूचना मिली कि वह अपने साथी प्रथम शर्मा के साथ जयपुर में गोने रोड पर एक विला में नकली नोट छापने का कारखाना चला रहे हैं। इसके बाद बीती देर रात एसओजी डीआईजी के निर्देशन में मौके पर पहुंचकर अपार्टमेंट की पहली मंजर बने विला में दबिश दी गई। वह ब्रजेश मौर्या और प्रथम शर्मा भारतीय मुद्रा के नकली नोट छापने की मशीन व छपी मुद्रा के साथ नोटों की कटिंग करते हुए मिले। विला में तलाशी के दौरान एसओजी टीम को करीब 5,80,000 रुपये की भारतीय नकली नोट मिले। इसमें आधे छपे हुए थे। इसके अलावा कलर प्रिंटर, स्कैनिंग मशीन, लैमिनेशन मशीन और भारी मात्रा में नोट छापने कागज व अन्य सामान जब्त कर लिया गया। वही पकड़े गए नकली नोट उबू असली नोट की तरह दिखते हैं, जिसमें वाटरमार्क, आरबीआई ट्रेड व संख्या का अंकन भी है। इस प्रकार जयपुर में एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के कारखाने का पर्दाफाश किया है और करीब 5.80 लाख रुपए नकली नोट बरामद किए हैं।